असलम नाजीन दिस इज़ फारुक रशीद एंड आई वेलकम यू टू दिस वीडियो बाई बी फाइलर योर डिजिटल टैक्स एडवाइज़र आज मैं आपके लिए एक स्पेशल मैसेज लाया हूँ इनकम टैक्स रिटर्न टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की लास्ट डेट ऑफ जो स्टैचूटरी लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग थी वो थी थर्टियथ सितंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन इस दफ़ा बड़े ही एक अनप्रसिडेंटेड तरीके से पहली दफ़ा तारीख़ में एफ़ बी आर ने पहली जुलाई को ही अपने फॉर्म्स अपडेट करके ऑनलाइन कर दिए थे आप और मैं बासानी जो है वो पहली जुलाई से जाकर ही अपने टैक्स रिटर्नस को फ़ाइल कर सकते थे और ये पूरा जो एक स्टैचूटरी मिनिमम टाइम लाइन है कि नाइन्टी डेज़ जो है वो एफ बी आर ने देने होते हैं फॉर फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्नस तो वो उन्होंने पूरा टाइम अपना दिया हुआ था और यही वजह थी कि एफ बी आर इस मामले में बहुत इस दफ़ा उन्होंने एक्टिव कम्यूनिकेशन भी की और बड़े ही सिलब्रिटीज़ को और पब्लिक पर्सनालिटीज़ को इंगेज करके उन्होंने एक बहुत ही एक कमेंडेबल कैंपेन रन की जिसमें वो बार बार यही तमाम सारे टैक्स फाइलर्स को कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे कि थर्टीथ सितंबर ही लास्ट डेट है इसे आगे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा तो आप टाइमली बेसिस पर प्लीज़ अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर दें और हतीमकान ऐसा ही मालूम हो रहा था कि इस डेट को शायद आगे एक्सटेंड नहीं किया जाएगा इंस्पाइट ऑफ अ नंबर ऑफ कम्यूनिकेशन टैक्स बार्स ने जो है वो बड़े तवील लेटर्स भी लिखे एफ बी आर को जिसमें बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स को लिस्ट डाउन किया गया कि अच्छा ये तमाम फैक्टर्स हैं इन इन चीज़ों की वजह से आप प्लीज़ इस डेडलाइन को कुछ दिन ज़रूर एक्सटेंड करें क्योंकि जो जनरल रिटर्न फाइल्स हैं उनको कम्प्लीट जो पीरियड ऑफ नाइन्टी डेज़ है वो अवेल नहीं कर पाए जिसमें बीच में एफ बी आर के इंफ्रास्ट्रक्चर का डाउन होना ये भी एक बड़ा मेजर फैक्टर था लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर एफ बिल्कुल जो लास्ट डेट था थर्टीथ सितंबर उस दिन आके उनके सिस्टम्स कम्प्लीटली जो है वो ओवरलोड हो गए क्योंकि ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद अब इस डेट को एक्सटेंड नहीं किया जाएगा तो एक बड़े एक सडन सर्ज की वजह से जिसमें तमाम सारे लोग पहुंच गए कि अच्छा अब हमने आज लास्ट डेट है तो आज अपना हम डाट रिटर्न फाइल कर देते हैं तो उस दिन उनके सिस्टम्स उतने रिस्पॉन्सिव नहीं थे तो इस वजह से थर्टीथ सितंबर की इवनिंग पे आके फिर एफ बी आर ने इस चीज़ की कम्यूनिकेशन की कि अच्छा अब हम अपनी डेडलाइन को फिफ्टी अक्टूबर तक एक्सटेंड करते हैं दो हफ़्ते आपको और मज़ीद दिए जाते हैं और इसमें फिर आप अपने टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर लें अब ये फ़िफ्टीनथ अक्टूबर की जो डेट है वो भी गुजर चुकी है अगर तो आपने फिफ्टीथ अक्टूबर तक अपनी कम्पलाइंस मुकम्मल कर ली थी तो ये तो सबसे अच्छा सीनेरियो है दैट इज़ द बेस्ट आउटकम लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वजह से आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए तो फिर मेरी उम्मीद है कि आपने एटलीस्ट अपनी एक्सटेंशन फ़ाइल कर दी होगी क्योंकि दूसरा फिर लाल ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप किसी वजह से अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाते तो उस डेडलाइन के अंदर अंदर आप एटलीस्ट एक्सटेंशन फ़ाइल कर दें तो अगर तो या तो आपने मैनुअल बेसिस पे एक्सटेंशन फ़ाइल कर दी हो अपने कंसर्न आर में या ऑनलाइन बेसिस पे आई में आपने फ़ाइल कर दी हो तो दोनों सूरत हाल में आपको एटलीस्ट थर्टीफ अक्टूबर तक की एक्सटेंशन मिल गई होगी तो फिर ये थर्टियथ अक्टूबर की जो डेडलाइन है इसके अंदर आप ज़रूर इंश्योर करें कि आप अपना टैक्स रिटर्न फ़ाइल कर लें लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी रीज़न की वजह से किसी भी रीजन की वजह से आप नहीं कर पाते या आपने एक्सटेंशन फ़ाइल नहीं की थी और अब डेडलाइन जो है फ़िफ्टीनथ अक्टूबर की वो क्रॉस हो गई है और अब आप ये सोच रहे हैं कि अब एक नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए तो अब अगर तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक्सटेंशन भी नहीं फ़ाइल की थी अब होगा ये कि जब एक्टिव टैक्स पेयर्स की लिस्ट को अपडेट किया जाएगा ऑन फर्स्ट मार्च 2022 तो उसमें आपका नाम इंक्लूडेड नहीं होगा आप एक्टिव टैक्स पेयर्स की लिस्ट से एक्सक्लूडेड होंगे फिर आपको कुछ सरचार्ज पे करके जो कि इंडिविजुअल्स के केस में इट इज़ जस्ट वन थाउजेंड रुपीज़ वो पे करके आप दोबारा एक्टिव टैक्स पेयर्स की लिस्ट में आ सकते हैं लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने टू का टैक्स रिटर्न टाइमली बेसिस पे फ़ाइल कर दें यानी अभी का जो टाइम है उस पर आप फ़ाइल कर दें क्योंकि हमेशा आप इस बात को याद रखिएगा कि लेट कम्पलाइंस जो है दैट इज़ ऑलवेज़ बेटर दैन नॉन कम्पलायंस अभी जो लास्ट इनकम टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस आया है उसके बाद से जो इनकम टैक्स लेट फाइलिंग की मिनिमम पेनल्टी है दैट इज़ वन थाउजेंड रुपीज़ पर डे एक एक दिन के हिसाब से उन्होंने उसके अंदर पेनल्टी बढ़ा रहे हैं जो लेटेस्ट लॉ है और मिनिमम पेनल्टी अगर तो आप सैलरड इंडिविजुअल हैं सिर्फ नॉन फाइलिंग या लेट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से वो है दस हज़ार रुपए और वेल्थ well स्टेटमेंट की अलग है वो एक लाख रुपए तो मिनिमम पेनल्टी एक लाख दस हज़ार रुपये आपके ऊपर अप्लाई होती है अगर तो आप अपना टैक्स रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस को डिले करते हैं तो इस वजह से मेरी आपसे रिक्वेस्ट यह है कि अगर आप ने अपना टैक्स रिटर्न अभी तक दो का फाइल नहीं किया तो आएँ लेट कम्प्लाइंस बेशक है लेकिन नॉन कम्प्लाइंस एट द एंड ऑफ द डे ये बेहतर है तो आएँ अगर, तो अगर तो आप बी फाइलर पर ऑलरेडी हमारे यूज़र हैं तो साइन इन करके अपना लेटेस्ट डाटा हमें प्रोवाइड करें ताकि आपकी रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस जल्द से जल्द कम्प्लीट हो अगर आप पहले से हमारे यूज़र नहीं हैं तो बहुत आसानी से आप बी फाइलर के प्लेटफॉर्म साइन अप करके साइन इन होकर ये इन्फॉमेसन कुछ बेसिक प्रोवाइड करके मैक्सिमम uh, दो से तीन दिनों के दरमियान अपना टैक्स रिटर्न फाइल करवा सकते हैं तो आएँ बी फाइलर के ज़रिए अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें क्योंकि बी फाइलर के साथ टैक्स आसान है